हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हैं लव बर्ड्स ब्रीडिंग। दोस्तों, आज जो वीडियो है वो भी लास्ट वीडियो की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने फ्रॉड के ऊपर वीडियो बनाई थी कि बर्ड बोलते कुछ हैं और होती कुछ है, तो आपके लिए आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं इस तरीके का एक फ्रॉड बताऊंगा कि जो आमतौर पर लोगों के साथ हो जाता है, जो नए रहते हैं, जिनको नहीं आइडिया रहता है। और काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे भी कि भाई मैंने बर्ड्स के लिए किसी को पैसे दिए थे और वो बंदा आजकल करके और पैसे उसने रख लिए और ना वो अब कॉल रिसीव कर रहा है ना मैसेज को सीन कर रहा है। तो ऐसे कई केसेस आते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि केजेस वगैरह लोग बनाते हैं, उसका ऑर्डर लेते हैं, तो ऑर्डर लेने पे आपसे पेमेंट वगैरह ले लेते हैं वो, और फिर केज जो है आपको भेजते ही नहीं है। कुछ भी बहाना मिलाते हैं शुरू में कि वर्कर लोग छुट्टी पर चले गए हैं, तो धीरे धीरे करके ऐसा टाइम आ जाता है कि वो एंड में फिर आपका जो है वो फोन रिसीव करना बंद कर देते हैं, और अगर फोन रिसीव करेंगे किसी और को पकड़ा देंगे, और उसके बाद आपका ना मैसेज सीन करेंगे, बस आप परेशान हो जाएंगे। तो कई केसेस ऐसे होते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि आपकी खुद की लापरवाही होती है। आप पहले तो पता नहीं करते हैं कि जिससे आप बर्ड परचेज कर रहे हैं या केजेस वगैरह आप बना रहे हैं वो बंदा जेन्युइन है या फ्रॉड है, आपको पता होना चाहिए। मैं तो दोस्तों ये करता हूँ कि मैं जान पहचान वालों से ही बर्ड परचेज करता हूँ, और अगर बर्ड मुझे परचेज करनी है, और मोस्टली मैं ये करता हूँ कि मैं खुद ही जाके बर्ड को रिसीव करता हूँ, बर्ड लेता हूँ। उसका फायदा ये होता है कि आप जब भी बर्ड ले रहे हैं तो सामने से आपको चीज़ कुछ नज़र आती है और वीडियो वगैरह में कुछ नज़र आती है। मेरे साथ दोस्तों केस ऐसा है कि जब भी मैं बर्ड को पोस्ट वगैरह करता हूँ तो कैमरे में थोड़ा बहुत जो है कैमरे में फिल्टर वगैरह रहता है, तो बर्ड इतनी अच्छी नहीं नज़र आती जितना सामने से देख के नज़र आती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक कस्टमर आए थे, उनको मैंने व्हाट्सएप वगैरह पे वीडियो वगैरह शेयर की थी, तो वो बोले कि मैं खुद आऊँगा परचेज करने। थोड़ी कॉस्टली बर्ड थी, तो मैंने कहा ठीक है आप आइए, आप खुद देखेंगे, सामने से आपको खुद आइडिया मिलेगा। तो जब उन्होंने सामने से बर्ड आके देखा तो बहुत तारीफ करी, और वो दो पेयर लेने आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो तीन पेयर लेके गए। यही पेयर थे पार्ब्लू ऑफलाइन और वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन, पार्ब्लू यूविंग ऑफलाइन, ये सारे थे डबल फैक्टर वॉयलेट में। तो ऐसा ही अगर आप भी कर सकें, आपके पास अगर इतना हो कि आप खुद जाके बर्ड ले सकें, तो हमेशा आप ऐसे ही किया करिए। क्योंकि बहुत से केसेस में ये होता है लोग पैसा रख लेते हैं और फिर या तो आपसे ये बोल देंगे कि मैंने बर्ड जो है बस में लगा दी है, और बस का जो है नंबर आपको दे देंगे और पता चला कि बस में बर्ड लगाई ही नहीं है, और फिर आपसे बोल देंगे कि इसमें आपकी गलती है, हमने आपको बस का नंबर दे दिया था, वो गलत नंबर दे देते हैं, और उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं और बर्ड आपको रिसीव भी नहीं होती है, और सामने वाला बंदा बोलता है कि बर्ड मैंने भेज दी है। तो ऐसे में आपको बचना है, आपको हमेशा जब भी बर्ड परचेज कर रहे हैं तो आप या तो बर्ड का जो ओनर है उसके लिए उसकी एकदम पूरी डिटेल ले लीजिए, या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जिससे आप बर्ड परचेज कर रहे हैं उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप अपने पास रखिए, उससे बोल दीजिए कि भाई अपना आधार कार्ड मुझे भेज दीजिए फोटो। उससे ये होगा कि अगर बाई चांस आपसे कोई फ्रॉड वगैरह करता है तो आप उसके खिलाफ FIR लीगल तरीके से कर सकते हैं, और उसको ढूंढने में भी आसानी होगी। आपके पास सारी ही चैट वगैरह होनी चाहिए जिसमें आपने उससे डील करी है, और आपके पास पेमेंट का भी स्क्रीनशॉट पूरा होना चाहिए कि कैसे ट्रांजैक्शन हुआ है, किस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो आपको ये सारी ही चीज़ें अपने पास रखनी है, क्योंकि अगर ऐसा बंदा आपके साथ फ्रॉड करता है तो ये सब चीज़ें काफ़ी आपको मदद पहुँचाएगी उस बंदे को ढूंढने में, और इन सब चीज़ों से आपको बचना है। तो आप पहले तो उसके बारे में मालूमात पूरी, और मालूमात आपको हो जाएगी उस बंदे की, तभी आप उससे कोई भी बर्ड वगैरह परचेज करें। क्योंकि तो आप अननोन बंदे से बर्ड परचेज करेंगे तो पता नहीं उसके जहन में क्या चल रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बर्ड की प्राइस अगर 10,000 है, उसको ग्रुप में 3,000 का डाल के पोस्ट कर देंगे तो लोग लालच में आ जाते हैं और उस बर्ड को खरीदने के लिए उसको एडवांस पेमेंट लगा देते हैं। फिर वो बंदा कुछ लोगों से, कई लोगों से एडवांस पेमेंट ले लेता है, तो वो 10,000 की जगह 15 से 20 हज़ार रुपये उस पेयर का वसूल लेता है, और आखिरी में वो नंबर बंद करके सारे मैसेज वगैरह रहते हैं वो अपना नंबर ही बंद कर देगा। तो ये तरीके का भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप हमेशा जब भी बर्ड देखें, आपको बर्ड का प्राइस कम लग रहा है, तो आप अपने
दोस्त वगैरह हो जो बर्ड की नॉलेज रखते हैं, उनसे आप मार्केट रेट पूछ लीजिए कि बर्ड का एक्चुअल मार्केट रेट क्या चल रहा है, और उसके बाद आप उस बंदे के बारे में जानिए। लोग अगर बता दें कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है, आपको बर्ड भेज देगा, तभी आप उस बर्ड को या कुछ भी ऐसी एसेसरीज हो जो बर्ड से रिलेटेड है, केजेस वगैरह हैं, तभी आप उसको पेमेंट वगैरह लगाइए। तो आपको ये सब चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, और आप भी आगे अगर फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उन सब पॉइंट को अपने दिमाग में रखिए। और अगर आपके नज़दीक में कोई शौक कर रहा है और वो ज़्यादा नहीं जानता है बर्ड्स के बारे में, तो आप भी उसको जो है इन सब चीज़ों के बारे में बताइए अपने दोस्त को, ताकि वो भी इन सब चीज़ों से बच के रहें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही टॉपिक में आपके लिए लाता रहूंगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।